अमृतसर के मजीठा रोड का एक मामला सामने आया है, जहां पुरानी रंजिश के चलते सेक्रेट हाई स्कूल की वैन के ड्राइवर को रोज ही बदमाशों की तरफ से जान से मारने की कोशिश की जा रही है और बदमाशों की तरफ से रोज ड्राइवर भूपेंद्र पाल सिंह पर हमला किया जा रहा है, जिसकी वजह से पूरा परिवार डर के माहौल में जी रहा है। ये डरा और सहमा परिवार सिर्फ प्रशासन की तरफ से एक ही मदद चाहता है कि जल्द से जल्द उनके बेटे की सुरक्षा पुख्ता की जाए। अमृतसर मजीठा रोड का ये मामला है, जहां एक स्कूल वैन के ड्राइवर के ऊपर कुछ बदमाशों की तरफ से रोज हमला किया जा रहा है। ड्राइवर भूपेंद्र पाल सिंह का कहना है कि करीब 2 महीने पहले किसी का झगड़ा हो रहा था, मैंने उस झगड़े को छुड़वाने के लिए जद्दोजहद की, लेकिन झगड़ा छुड़ाने के बाद ये सारे बदमाश मेरे ही पीछे पड़ गए और जैसे ही मैं अपने काम पर निकला, रास्ते में खड़े या तो मुझे गालियां निकालते हैं या फिर मौका देखकर मेरे ऊपर हमला कर देते हैं। काफी दिनों से ये मेरे ऊपर हमला कर रहे हैं, लेकिन आज मेरे हाथ ये सीसीटीवी कैमरे की फुटेज लगी और मैंने ये पुलिस को दिखाई। पुलिस ने देखते ही FIR तो दर्ज कर दी, पर अभी तक इनकी गिरफ्तारी नहीं की। अब इनकी तरफ से मुझे जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं, जिसकी वजह से मैं अपना ऑटो भी नहीं लेकर जा रहा, क्योंकि उसमें छोटे छोटे बच्चे होते हैं। मुझे डर है कि मेरी वजह से उन छोटे छोटे बच्चों का कोई नुकसान न हो जाए। मैं पुलिस से सिर्फ यही चाहता हूँ कि इन बदमाशों को जल्द से जल्द हिरासत में लिया जाए। दूसरी तरफ से पुलिस का कहना है कि इसी ड्राइवर की गली में रहने वाला कालू नाम का व्यक्ति है, जिसके साथ 2 महीने पहले एक झगड़ा हुआ था, जिसकी रंजिश निकालते हुए कालू की तरफ से इसके ऊपर अटैक किया जा रहा है। वो इनकी स्टेटमेंट के ऊपर कालू और उसके 2 साथियों पर FIR दर्ज कर ली गई है और उनको पकड़ने के लिए पुलिस की तरफ से छापेमारी की जा रही है। 88 फुट रोड का नहीं है ये, बाबा श्री चंद मोड़ है, उत्थे परसों मुंडा राहुल है, बच्चों लैके जाता स्कूलों, उसकी वैन है, स्कूल वैन ये लैके जा रहा सी। एक कालू नाँ का स्टेटमेंट के मुताबिक कालू नाँ का लड़का है, उसके नाल होर सीगे 4-5 लड़के जेड़े कि मोटरसाइकलों आके तो उन्हें रोकया, तो उसका पिछला शीशा जरा दातर मार के तोड़ दिता वैन का, तोड़ता फिर इन्होंने वो महल का ही लड़का है, तो महलेदारी होने करके जो महल के व्यक्तियों ने इन्होंने बह के कहा भी इन्होंने मुका देंगे, ये आपस में मुका रहे हैं, पर अज तड़के इन्होंने फिर वो घर के वैन एक क्वालिस वैन खलोती सी भी शीशे तोड़ दिते इटे मार के, इस करके उन्होंने हूँ आके सानू स्टेटमेंट लिखाई है भी ये इन्होंने साढ़े शीशे तोड़े है, पहलों आपस में मुका रहे हैं पर नहीं मुकी, हूँ आके उन्होंने स्टेटमेंट दी है। पुरानी कोई रंजिश है? पुरानी कोई रंजिश इन्हों की 2 महीने पहला कोई झगड़ा होया गली दे विच होर मुंडे नाल, उहदा ये साथी है कालू, बच्चे वो छड आया सीगा, बच्चे वो छड आया सीगा, एक बच्चा कोई कहिंदे सी विच हैगा, बाकी बच्चे वो छुट्टी हुए सी, बच्चे उतार रहा सी, एक बच्चा हैगा सीगा, नहीं कोई छत की कोई कंप्लेट कार्रवाई उन्होंने खिलाफ ही केस रजिस्टर करता जी, कर रहे हैं इन्होंने स्टेटमेंट के मुताबिक, तो अभी रेट कर रहे हैं उन्होंने नहीं CCTV चले हैं जी, कर रहे हैं अभी हूँ स्टेट हूँ परचा दर्ज होया, अभी कार्रवाई सारी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो रेट वो कर रहे हैं उन्होंने घर, तो जल्दी बंदे गिरफ्तार कर लाओ। कालू साजने आ, हाँ जी, दानिश है, हाँ जी, तो होर रन पछाके बंदे 5-7, हाँ जी, ले फिरदा नाल, हाँ जी, पहले ना स्कूल वैन तोड़ी बच्चों समेत हमला किया, इन्होंने बच्चे बिच बैठे गड्डी, हाँ जी, तो इन्होंने हमला किया गड्डी से परसों भी किया, कल भी इन्होंने अगला शीशा तोड़े, परसों पिछला तोड़े दातरा नाल, हाँ जी, तो कल अगला तोड़ता इन्होंने इट मार के, हाँ जी, तो रात 5:45 तो इतने 88 फुट रोड से आ गए क्वेलस गाड़ी तोड़ गए, हाँ जी, तो कोई बच्चे का कोई जिदा नुकसान नुकसान तो नहीं हो? बच्चे के किंकर उंकर वजिया माड़ी मिली जो शीशा पिछला टुटा गा। ठीक है, तो रिपोर्ट लिखाई थी थाने? हाँ जी रिपोर्ट लिखाई है। की कहंदे जी उन्होंने की कहा? रिपोर्ट वाले कह रहे हैं करदे हैं इन्हां दे करदे हैं हमला, इन्हां नूं फड़दे हैं। हुण एस हुण मौके ते कौन आया जी तेरे को? मौके ते राकेश नाल कि के अच्छा ऐसा तो साहब है की कहंदे तां उन्होंने की कहा आगे? ओह आगे कह रहे हैं अज इन्हां ते परचा करदे हैं जी, कल दे जिहड़े फड़े आ उन्हां नूं छड़ता उहदे मां-प्यो नूं, ते ओह मुंडे नूं कहंदे अज पेश करदे हैं ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਆਣ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ
ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਰੰਦਿਸ਼ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੋ ਕੁੱਟਣ ਆਏ ਜੀ ਘਰ ਹਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਛਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਖਾਈ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਇਹਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਹੁਣ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚੈਲਰਡ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਪਏ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਮੰਗ ਪੀਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜੇ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾੜੀ ਗੱਡੀ ਵਿਹਾਲੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਖਿੱਚਣੀ ਵੀ ਪਏ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਵਿਹਾਲੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦਾਤਰ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪਏ ਪਾਪਾ ਸਕੂਲ ਆ ਕੇ ਠੀਕ ਆ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਸਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਰਾਤੀ ਫਿਰ ਆਏ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲੀ 'ਚ ਪਏ ਗਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਤੋੜ ਗਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਆ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਲਗਾਈ ਕਿਤੇ ਹਾਂਜੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਤੀ ਹੁਣ ਮੰਗ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਕਰਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਬਾਦੀ CEN न्यूज़ देश प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।